I meet so many parents, they'll bring their little child, sister, मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है. अच्छा, फिर साथ में कोई खड़ा होगा कहता है बहुत ही गुस्सा करता है, सारा दिन गुस्सा ही करता रहता है. अब ये लाइन वो दिन में पता नहीं हजारों बार सोचते हैं, आसपास जो मिलता है उनको बोलते हैं, जो लोग सुनते हैं वो भी वो सोचते हैं, तो सारे मिलके उस बच्चे को आशीर्वाद कौन सी दे रहे हैं? ये भी आशीर्वाद ही. आशीर्वाद मीन्स एनर्जी विच वी सेंड. तो सारे मिलकर उस बच्चे को एनर्जी कौन सी दे रहे हैं? आप बहुत गुस्से वाले हो, तथास्तु. इतने लोगों की आशीर्वाद मिलती है उस बच्चे को. फिर 2 साल बाद हम कहते हैं इसका गुस्सा बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? इतने लोगों की आशीर्वाद मिली थी, बढ़ गया. सिंपल सिंपल. जो कमजोरी है उसका चिंतन नहीं. आप बहुत पीसफुल बच्चे हो. वो रियलिटी नहीं है अभी, लेकिन हम उस रियलिटी को बनाना चाहते हैं, तो हमें वो वाली ब्लेसिंग देनी होगी. जैसे ही सारे लोग मिलकर घर में सारा दिन एक ही थॉट क्रिएट करेंगे, आप बहुत पीसफुल बच्चे हो, आप बहुत पीसफुल बच्चे हो, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, 50 से 40 हो जाएगा. Do you think that will happen? Can we make that happen? We have the power. And while we are doing that, problem तो है उतनी जितनी है. सिर्फ ये thought create करने से कि आप बहुत प्यारे बच्चे हो, सबसे पहले किसकी स्थिति ठीक हो गई? किसकी स्थिति ठीक हो गई? हमारी वाइब्रेशन उस बच्चे को दी, उस आत्मा को दी, उसकी स्थिति क्या हो गई? ठीक हो गई. ये दोनों स्थितियां जब ठीक हो जाएंगी तो परिस्थिति तो ठीक हो ही जाएगी. फिर उसके बाद हम सब ट्राई करते हैं कि परिस्थिति को ठीक कर दें, हम सिचुएशन को ठीक कर दें. हम भले परेशान हैं, हम बातों को ठीक कर दें. बातें हमारी एनर्जी से बनती हैं. कुछ लोग आपको जीवन में मिले होंगे जो 4th stage ऑफ कैंसर में होंगे. इनफैक्ट लास्ट नाइट कहाँ गए थे हम हॉस्पिटल? किसके पास गए थे? दे हैव कम हियर? आए हैं वो? नहीं. कल रात को हम 10 बजे किसी से जसलोक हॉस्पिटल में मिले. वेरी एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर. डॉक्टर ने कहा इनको घर लेकर जाओ. व्हेन आई वाज वॉकिंग इनटू द हॉस्पिटल आई थॉट आई एम गोइंग टू मीट अ पेशेंट टोटली गिवन अप ऑन लाइफ, बहुत बीमार ये वो. डॉक्टर ने ही कह दिया घर लेकर जाओ. तो मैंने जो विजुअल क्रिएट किया था अपने सामने एंटर करते के टाइम कि अभी बेड पे मुझे कोई है. When I entered that person's room, I found him smiling, vibrant, welcoming energy. सारे लोग जो रूम में घुसे थे उससे ज्यादा खुश वो इंसान था जो बेड पे बैठा था. And not externally खुश, his face reflected his peace of mind. Very calm, very peaceful, smiling. मुझे कहता है बहन पता नहीं ये लोगों को क्यों चिंता हो रही है, मुझे तो कोई चिंता नहीं है. निश्चिंत आत्मा. 4th stage कैंसर. और कुछ लोग हमें मिलेंगे 100 बुखार. हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार. तो बात का साइज नहीं होता. इट्स द पावर ऑफ द सोल, द पावर ऑफ द सोल. तो आज से हम एक चीज पक्का करते हैं. हमने सबको क्या देना है? पॉजिटिव नेगेटिव थॉट भी नहीं करने, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. हमने कहना है हमने सबको आशीर्वाद देनी है. वो हमें पता है कैसे वाली देनी होती है. उसमें हम नेगेटिव गलती से भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम आशीर्वाद दे रहे हैं. फर्क सिर्फ ये है कि मुख से नहीं देना है. मुख से वर्क नहीं करेगा. अगर हमारा बच्चे ने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है, सिचुएशन है, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कल लास्ट डे में थोड़ा सा पढ़ लिया, अब वो सुबह एग्जाम के लिए जा रहा है, ठीक है, अब उसकी मन की स्थिति भी कैसी है? थोड़ी सी ऐसी ऐसी ऐसी. अब वो आपके पास आया, आपसे आशीर्वाद लेने आया है, उसकी स्थिति इस टाइम कैसी है? डाउन. आपकी भी स्थिति कैसी है उस टाइम? डाउन.
आशीर्वाद नहीं वर्क करेगा। अगर हमने एकदम पावरफुल स्थिति में कहा आज यू विल डू योर बेस्ट, इट डज नॉट मीन ही विल गेट 100 on 100, बट इट मीन्स कि उसकी जो स्थिति है वो स्टेबल हो जाएगी और उस स्टेबल स्थिति में वो अपना बेस्ट करके आएगा आज। लेकिन उसकी स्थिति को स्टेबल बनाएगा कौन? उसकी स्थिति को स्टेबल बनाएगा कौन? हमारा आशीर्वाद। लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया कि उसकी स्थिति फिर भी ठीक थी, हम ऐसे ऐसे थे, तो उसकी स्थिति भी ऐसे हो जाएगी। अगर उसके 50% नंबर आ सकते थे, डिस्टर्ब्ड माइंड से जाएगा, केयरलेस मिस्टेक करेगा, 40 आएंगे। पावर ऑफ थॉट स्थिति को स्टेबल करता है, स्थिति परिस्थिति को ओवरपावर कर लेती है। अब अपनी जीवन की परिस्थितियां लेकर आए सामने, है छोटी सी लिस्ट है। अब हमें उस परिस्थिति के लिए अपनी थॉट को चेंज करना शुरू करना है। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ते में प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो ये वो मेरा रिश्ता है, ये वो व्यक्ति है, मेरा रिश्ता है, और मैं कहती हूँ ये रिश्ता ठीक ही नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, कितना भी ट्राई करो प्रॉब्लम ये बनती नहीं मेरी इनके साथ। जैसे ही मैंने इसको ये वाइब्रेशन दी, मेरी इनके साथ बनती नहीं। तो व्हाट द मैसेज आई एम सेंडिंग टू द अदर सोल, मेरी आपके साथ बनती नहीं। वहां से क्या वाइब्रेशन आएगा, मेरी भी आपके साथ बनती नहीं। रिश्ता क्या हो जाएगा, रिश्ता क्या हो जाएगा? फिर हम दोनों मिलकर उनके पास जाएंगे, कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद दो, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। अब दो इस रिलेशनशिप को आशीर्वाद, व्हाट इज द एनर्जी वी कैन रेडिएट टू दिस रिलेशनशिप, करें बताइए, व्हाट विल बी? वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू क्रिएट आर आशीर्वाद टुडे, बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। वी हैव टू लर्न टुडे कि मुझे उसके प्रति क्या थॉट देनी है। रिश्ते में प्रॉब्लम है, क्या थॉट देंगे उसको? आई एम नॉट टेलिंग, यू हैव टू टेल। ये रिश्ते में प्रॉब्लम है, आशीर्वाद दीजिए, इट्स नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्यारा आशीर्वाद दो और, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, बट वन स्टेप मोर और आशीर्वाद। ये रिश्ता अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा वाला दे दो। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, और बताओ, वेरी गुड, सी सो सिंपल, और ये बहुत प्यारा रिश्ता है, और ये भी बहुत प्यारे हैं। हाँ जी, नो नो नो, वी आर एम्पावरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। देर इज अ प्रॉब्लम, सी मेडिकल साइंस टुडे हैज प्रूव्ड वन थिंग कि शरीर में जो बीमारियां क्रिएट हो रही हैं वो भी यहां से क्रिएट हो रही हैं, ये प्रूफ है, ठीक है। कई ऐसे भी प्रूफ मिले हैं जिन्होंने अपनी शरीर की बीमारियों को भी यहां से ठीक किया है, ये भी प्रूफ है, राइट? तो ट्यूमर बनाया किसने, मेरे मन ने, ट्यूमर हटाया किसने, मेरे मन ने, रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट लाई किसने, मेरे मन ने, रिश्ते की कॉन्फ्लिक्ट हटाएगा कौन, मेरा मन। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट? हां जी, एनवायरमेंट, इट्स माय बॉडी, माय रिलेशनशिप, माय माइंड। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इस पर किसका होने वाला है? ओके, देयर इज अ वेरी बिग एनवायरमेंटल फोर्स, कैन बी चेंज दैट? नो। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है? लेकिन जब हम अपनी पावर यूज करना शुरू कर देते हैं, उसका प्रभाव भी औरों पर पड़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके घर में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सबको बिठा के सिखा दो कि उस प्रॉब्लम के पीछे थॉट कैसे क्रिएट करनी है, कलेक्टिव। अगर एक करेगा रिजल्ट मिलेगी, अगर सब करेंगे जल्दी रिजल्ट मिलेगी। लेकिन वी कैन नॉट गिव अप जस्ट सेइंग बाकी लोग तो नहीं कर रहे, आई विल डू,
जब हम सब नेगेटिव थे और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, काम हो गया ना, काम हो गया ना, हम सबकी चिंता, एक आत्मा का पावरफुल थॉट। जब वो आशीर्वाद देते हैं, एक तो इस इक्वेशन को क्लियर करना चाहिए, जब कोई महान आत्मा आशीर्वाद देती है वो उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती है, एक्चुअली वो आशीर्वाद देके हमारी मन की स्थिति को ठीक करती है। वी आर एबल टू ट्रांसमिट एनर्जी टू अनदर सोल। जैसे ही सामने वाले की स्थिति ठीक हो जाएगी, सामने वाला अपनी प्रॉब्लम को जो वाइब्रेशन देता है वो ठीक हो जाती है। हम क्या वाइब्रेशन देते हैं ना आने के बाद, अभी देखो फिर से ये प्रॉब्लम है। अब मैं गई किसी के पास, आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा आपका रिश्ता बढ़िया हो जाएगा, आई कम बैक वेरी हैप्पी, एंड वॉट इज द वाइब्रेशन आई स्टार्ट गिविंग टू इट, वॉट इज द वाइब्रेशन दैट आई स्टार्ट गिविंग टू इट। अब सब ठीक होने वाला है क्योंकि गुरु जी ने कहा है, विच इज फाइन, इट्स ब्यूटिफुल। एंड जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट करनी शुरू की, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम छोटी सी चीज उसमें सिर्फ क्या करते हैं, हम अपना रोल नहीं देखते, हम कहते हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया इसलिए प्रॉब्लम ठीक हो गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरी स्थिति ठीक हो गई, मेरी स्थिति से प्रॉब्लम ठीक हो गई। इट हैज टू गो थ्रू मी, इट कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, इट कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, इट हैज टू गो वाया मी। एक आत्मा दूसरी आत्मा को एक अच्छी वाइब्रेशन देती है, दूसरी आत्मा उस वाइब्रेशन को कैच करती है, अपनी मन की स्थिति को ठीक करती है, ठीक करती है। करें क्रिएट, डू इट फॉर एवरी प्रॉब्लम, वी कैन डू इट फॉर एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। वेरी गुड, 10 वेरी प्योर आशीर्वाद। Why not? Today I have 5 problems. Okay? My mind is not happy. 1. My body is paining. 2. 3. The person I'm going to work with, meri usse ban nahi rahi. 3. 4. Jo order mujhe chahiye tha, wo order bhi nahi aaya. Chalo 4 problems. Ab in 4 ko aashirvad nahi de sakte sara din? De sakte? Nahi de sakte? Ab main kya karti hu? Iska opposite karti hu. Aaj main udaas hu. मेरा शरीर भी दुख रहा है, आज आए हाय उनसे मिलना, आज ओए बाबा रे मीटिंग कैसे होगी, एंड ये ऑर्डर तो पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 थॉट है, इसका ऑपोजिट कर लें आप, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, माय बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, दिस रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल, 100% टूडे आई एम गोइंग टू गेट द ऑर्डर। सिंपल थॉट तो क्रिएट करनी है, या तो ये वाली क्रिएट कर लो या वो वाली क्रिएट कर लो, या तो आशीर्वाद दे दो या आशीर्वाद का ऑपोजिट दे दो। द एनर्जी दैट वी रेडिएट टू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। शुरू करें तो वो रिश्ता कैसा था, अपने आशीर्वाद को ना थोड़ा सा पावरफुल बना दो, बहुत प्यारा, हाँ बहुत अच्छा, ये कामिक अकाउंट मेरा उनके साथ कैसे beautiful, best relationship. Keep on radiating that energy to that soul. While we are doing this, सबसे पहले हमने किसको ठीक कर लिया, सबसे पहले हमने किसको ठीक कर लिया, अपनी स्थिति को ठीक कर लिया, फिर हमने वो वाइब्रेशन उनको भेजी, तो हमारे से जो पहले उनको नेगेटिव जा रही थी वो रुक गई और हमारे से उनको प्योर एनर्जी जाने शुरू हो गई, तो उनकी स्थिति भी कहने लगी बेटर। जैसे ही दो आत्माओं की स्थिति बेटर हो जाएगी, रिश्ता तो बेटर हो ही जाएगा। अगर वर्स्ट केस, आई एम टॉकिंग वर्स्ट केस कंडीशन, 50 अगर 40 नहीं भी हुआ, कम से कम 50-60 नहीं होगा, डेफिनेट डेफिनेट। रिश्ता सपोज, वैसे तो होगा नहीं, बेटर होना ही है, बट सपोज वो रिश्ता बेटर नहीं हुआ, कम से कम हमारी नेगेटिव थिंकिंग से वो वर्स नहीं होगा, बीमारी वहीं की वहीं रुकी। जब बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी, बढ़नी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, तो धीरे धीरे घटनी शुरू होगी होगी, होने होने हैं। लेकर आए अपने सामने अपने जीवन की बातें,
Just the other day, I experimented. These are experiments we have to do, Sarathin. I had viral, very bad cough. I was constantly with medicine. And I did not realize, I don't know what I did. I put 4 talks in the day. Jo normal kabhi nahi hota, us din ho gaya. Between 6:30 to 3, 4 talks. In the night, mujhe ye thought aya. Main bola, itni khansi. Aur uske saath 4 talks. The minute I create this thought, maine apne aap ko ek vibration de diye ki kal to tumhare ko bahut problem aane wali hai. Very subtle, it's happening the whole day. Itna checking karni padti hai. Quickly change. Parmatma ki shakti saath mein, uski seva hai. Kal ke 4 program, perfect, smooth, 3 baje tak koi khansi nahi. It was a shock for me. 3 baje program pura hua aur uske baad. Maine kaha, ho 3 baje kyun bola tha? Bolna chahiye tha, pure din khansi nahi. This is how it works. It works. You have to tell your mind, 3 baje tak sab kuch smooth, perfect. It's our mind, it's going to listen to us. This is our body, it listens to us. Every thought we create, har soch, har sankalp jo hum create kar rahe hain, wo uska asar kahan kahan hota hai? Uska asar kahan kahan hota hai? जो हम thought create करेंगे सबसे पहले वो हमारी मन की स्थिति पे असर होगा. We will feel that way. अगर हम इस room में enter होते हैं और हम एक thought create करते हैं, beautiful hall, अच्छा feel होगा. अगर हम उसी hall में enter करते हैं, हम कहें कचरा है यहाँ पे, ये कैसे गंदा है, feeling down हो जाएगी. तो जैसी हमारी thought, first चीज, we will feel that way. तो सबसे पहला असर मन की स्थिति पर. फिर हमारी थॉट का असर किस पे होता है? हमारी हर थॉट हमारे शरीर को वाइब्रेट करती है. प्लीज रिमेम्बर, आपकी बॉडी आपका हर थॉट सुनती है और कैच करती है. मेडिकली, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एवरी सेल ऑफ द बॉडी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एवरी थॉट. कितना ध्यान से सोचना चाहिए. तीसरा, हमारी हर थॉट उन तक पहुंचती है जिनके लिए वो क्रिएट की जाती है. कभी भी आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ अपने आप को ध्यान से कहना, ये सारा कुछ जो मैंने सोचा है उनके व्हाट्सएप पे पहुंच गया. Then stop thinking that way. कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप बहुत दिनों से किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मैं उसको ये बोलूं, मैं उसको समझाऊं, मैं अभी बोल नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, उसको समझाऊं, ये करूं. और फिर इतने दिन सोचने के बाद हम फाइनली कहते हैं, आज तो मैं बात करती हूँ. तो हम जाते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से प्यार से तैयार करते हैं, मीठा बोलूंगी, अच्छे से बोलूंगी, सब कुछ. और हम जाके एक लाइन में उनको वो बात बोलते हैं सिर्फ. जब हम वो एक लाइन में उनको वो बात बोलते हैं, वो एक पेज में आंसर देते हैं उस बात का. फिर हम ऊपर से कहते हैं, क्या बोला मैंने तुमको, इतनी सी बात बोली उसका इतना सारा जवाब मिलता है. वो सारा जवाब किसका मिल रहा है हमें, जो पेजेस हम भेज रहे थे इतने दिन से. एवरी थॉट रीचेस द पर्सन फॉर होम इट वॉज क्रिएटेड. केयरफुल, जब भी सोच रहे हो किसी के बारे में, अपने आप को हल्के से जरूर याद दिला देना, ये बात उनके फोन पर पहुंच रही है. अपने आप मन चुप कर जाएगा, कहेगा नहीं, चेंज, वी कैन नॉट लेट दिस रीच देयर. थर्ड, एवरी थॉट रीचेस. आ रहे हैं लोग प्यार से, आने दो उनको अंदर. डोंट अलाउ योर माइंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. This mind will become weak अगर वो वहां वहां जाएगा जहां उसको जाने की जरूरत नहीं. अपने बच्चे को कैसे बोलते हैं, बैठ जाओ, उठो बैठो नहीं बार बार. मन को भी क्या बोलना, साधन ऐसे इधर, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा. फिर हमारे बच्चे आते हैं हमारे पास और कहते हैं, मम्मी कॉन्सेंट्रेट नहीं होता. मम्मी कहती है कॉन्सेंट्रेट करो,
तो होता नहीं, अच्छा पापा से जाके पूछो, मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। पापा कहते कॉन्सेंट्रेट करो, कल एग्जाम है। तो मेरे से नहीं होता, चलो टीचर के पास चलते हैं। कोई नहीं सिखा सकता कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। वी जस्ट टेल द चाइल्ड कॉन्सेंट्रेट, ही सेज आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, वी से कॉन्सेंट्रेट। नोबडी इज एबल टू टीच हिम हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आपको आपके बच्चे के मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। हमारे मन की वाइब्रेशन उस पर जाएगी, उसका मन भी एकाग्र हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट थॉट का असर मन पे, सेकंड थॉट का असर बॉडी पे, थर्ड थॉट का असर उस व्यक्ति के पास, फोर्थ थॉट का असर एनीवेयर एल्स, यूनिवर्स, एनवायरमेंट। हाउ डू आई स्टॉप माई थिंकिंग? हाँ, हाउ डू वी चेंज आवर थिंकिंग? फर्स्ट बी अवेयर ऑफ आवर थिंकिंग, कि हमारी थॉट्स का असर कहां कहां पड़ रहा है, मन पर, शरीर पर, उस रिश्ते पर, वातावरण में फैल रहा है। Then, तो हम ध्यान से सोचेंगे। अब ध्यान से हम सोचे कैसे, हम अच्छा सोचे कैसे? अगर हम सुबह सुबह सिर्फ अखबार पढ़ेंगे और चैनल देखेंगे, इंफॉर्मेशन अंदर गई। इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ थॉट्स। जैसे शरीर का हेल्थ का सोर्स हमारा भोजन है, इंफॉर्मेशन वो भोजन है जिससे हमारी थॉट्स क्रिएट होती है। चेक करें सारा दिन में भोजन कैसा खाते हैं आप। 20 साल पहले एक अखबार, रात को 9 बजे दूरदर्शन, समाज वॉज मोर हैप्पी। फिर इतने सारे न्यूज चैनल, इतने सारे न्यूज पेपर, समाज होने लगा फ्लक्चुएट। फिर आ गया व्हाट्सएप, फेसबुक, समाज और फ्लक्चुएट। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ब्यूटीफुल टूल्स हैं ये, इनके साथ हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम चेक करें कि मेजॉरिटी टाइम हम इन पे क्या पढ़ रहे होते हैं। अपने आप को बचाना है, संभालना है अपनी सोच को। सारा दिन जो कॉपी पेस्ट होकर आ रहा है ना यहां से वहां से, हम क्या करते हैं ना, फोन उठाते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं उसको प्यार से, फिर हम कहते हैं बेकार है, डिलीट कर, पूरा पढ़ने के बाद डिलीट करते हैं। पूरा पढ़ने के बाद तो यहां से डिलीट हो सकता है ना, सिर्फ डिलीट कहां से करना था, वहां से कैसे डिलीट करेंगे अब।